हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेल्ड रेसिपी। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 kg कच्चा पपीता लिया है। मैंने इसे इस तरह लंबा काट लिया है और बीच से इसे साफ कर दिया है। पपीते को काटने से पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई में पानी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमें पपीते को पहले उबालना है। अब पपीते को हम काटेंगे। मैं इसे इस तरह का छोटा शेप दे रही हूँ। टूटी फ्रूटी यूजुअली छोटा ही होता है, पर आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। जब पानी बॉईल हो जाए तो हम उसमें सारे कटे हुए पपीते डालेंगे और उसे 10-15 मिनट्स तक उबलने देंगे। अब 10-15 मिनट्स हो चुके हैं और ये अच्छे से उबल चुका है। अब इसे स्ट्रेन कर ले। अब टूटी फूटी में वो मिठास लाने के लिए मैं यहाँ पे 250 ग्राम्स चीनी ले रही हूँ। उसमें पानी डालें और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें हम उबले हुए पपीते डालेंगे। एक बार इसे अच्छे से मिला ले ढकने से पहले। अब इसे 10-15 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे उबलने के लिए, पर बीच में हम इसमें 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, यानी कि सिरका, ताकि टूटी फूटी बनने के बाद उसे पपीते का स्वाद ना आए। आप विनेगर की जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिला लें और फिर ढक के छोड़ दें। अब टूटी फूटी भी बन के बिल्कुल तैयार है। 10-20 मिनट्स बाद इसे अलग एक बर्तन में निकाल लें। आप चाहे तो इसे स्ट्रेन करके ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको कलर्स नहीं डालने हैं। मैं यहाँ पे 4 कलर्स डालूंगी, येलो, लाइट ग्रीन, ग्रीन और रेड। तो मैं यहाँ पे 4 कटोरी में निकाल रही हूँ। अब इसमें कलर्स डालना शुरू करेंगे। मैं इसे स्ट्रेन अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी कलर्स डालेंगे, जब ये थोड़ा गीला रहेगा तो इसे मिलाने में ज़्यादा ईजी रहेगा कलर्स को, ताकि वो अच्छे से मिल जाए। अभी अच्छे से मिल चुके हैं, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अभी बन के बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर पंखे के नीचे टिश्यू पेपर पे देके भी सुखा सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे टॉपिंग्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।